रीवा में अब तक 12.25% मतदान दर्ज। रीवा सीट पर सबसे कम तो मऊगंज में सबसे अधिक मतदान हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक 12.25% मतदान दर्ज किया गया। रीवा जिले में अब तक 12.25% वोटिंग हो चुकी है। जिले में रीवा विधानसभा सीट पर अब तक सबसे कम 10.5% और मऊगंज सीट पर सबसे अधिक 13.13% मतदान दर्ज किया गया है। देर रात मतदान केंद्र पर पहुंची पार्टियां। मतदान कराने के लिए देर रात पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंची। इस बार जिले की 8 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सामग्री तथा ईवीएम का वितरण इंजीनियरिंग कॉलेज से किया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में सामग्री वितरण के लिए विधानसभावार अलग अलग काउंटर बनाए गए, जहां से ईवीएम व अन्य सामग्री लेकर पार्टियों ने अपने अपने मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान किया। राजेंद्र शुक्ला ने सुबह 8 बजे मतदान करने पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था बनाने पुलिस के साथ तैनात सेना के जवान। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, जो किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जिले में पुलिस विभाग ने जिला पुलिस बल SAF, PTS, होमगार्ड सहित अन्य बलों को भी लगाया है। इसके अलावा बाहर से ITBP व CRP की कंपनियां आई हैं, जिनको संवेदनशील मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में 145 सेक्टर मोबाइल बनाई गई है, जो पूरे इलाके में भ्रमण कर शांति व्यवस्था बनाएगी। इसके अलावा पुलिस विभाग ने रिजर्व बल की भी व्यवस्था की है, जो विशेष परिस्थितियों में मौके पर जाकर स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है। पूरे जिले में 5000 से अधिक का बल अलग अलग स्थानों की सुरक्षा में तैनात किया गया है और खुद अधिकारी भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर पोलिंग बूथों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करवाएंगे। शहर में 18 सेक्टर 12 मोबाइल पार्टियां करेंगी भ्रमण। शहर में पुलिस विभाग ने 18 सेक्टर बनाए हैं, जिनके लिए 17 विशेष मोबाइल पार्टियों का गठन किया गया है। इसमें एक मोबाइल पार्टी के अधीनस्थ 15 मतदान केंद्र हैं और उन सभी केंद्रों में व्यवस्था की जिम्मेदारी मोबाइल पार्टी की है। मतदान केंद्रों के पूरे क्षेत्र का मोबाइल पार्टियां भ्रमण करेंगी और मतदाताओं को लुभाने जैसी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। जिले के सभी बॉर्डर सील। मतदान के लिए जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। जिले में प्रवेश के लिए अंतरराज्यीय व अंतर जिला चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिनमें नियमित तरीके से चेकिंग की जा रही है। मतदान के दौरान जो भी बाहर से जिले में प्रवेश करेगा, उसकी अच्छी तरह चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।